दोस्तों, गौ माता हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि साथ ही में हमें गौरोचन भी देती है, जो दुर्लभ और अनमोल है, जिसकी आध्यात्मिक और औषधीय गुण बहुत लाजवाब है। गौरोचन गौवंशी पशुओं की सेवा करने से प्राप्त होता है। राजीव कुमार जी को भी गौरोचन प्राप्त हुआ है, जो 15 सालों से श्रद्धापूर्वक गौ सेवा कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं गौरोचन क्या होता है और उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ। देखिए, गाय से गौलोचन प्राप्त होता है ये तो हम 100% नहीं कह पाएंगे, मगर होता तो है गाय से। गाय से गौलोचन, गज से गजमुक्ता, हिरण के कस्तूरी, केरा में कपूर, सर्प के मौनी, बांस के बसलोचन, ये सब दुर्लभ वस्तु माने कि जे दैवीय लक्षण से किसी किसी को प्राप्त होता है, वही हमको गौ सेवा से ये गौलोचन का प्राप्त हुआ। हम श्रद्धा लगाए तो ये शक्ति हमको मिला। आई गौलोचन जब से मिला है हमको, तब से कुछ न कुछ आगे की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे 1 से 21 होते जा रहा है। तो हमारा गौवे 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, तो ये समझिए जो सब भगवान का कृपा है, भक्ति का कृपा है। जैसे लोहाग से गुजर के हथियार बनता है, सोनाग से गुजर के सुवर्ण बनता है, उसी तरह भक्त तप के तपस्या पूरा करता है। तपना एक तपस्या है, संघर्ष मेहनत, आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। मेहनत का फल मीठा होता है, वही मीठा तो हम दूध अमृत पान कर रहे हैं, और फल भी अर्थ युग में अर्थ से भी हम फल अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में अच्छा प्राप्त करने का हमको टारगेट है, मिशन है, और मिशन है, श्रद्धा है, तो शक्ति जरूर मिलेगा। और हम विशेष क्या कहें, तो यही हम कह सकते हैं कि गाय का सेवा भाव से वही श्रद्धा लगा के सेवा कीजिए, और मेवा पाइए और अमृत पान कीजिए, यही मेरा श्रद्धा रहेगा आप सभी लोगों से। जय भोलेनाथ। तो जैसा कि सर ने बताया, से गौ लोचन जो होता है वो किसी किसी को ही मिलता है, ये एक दुर्लभ वस्तु है। जैसे कि भक्ति में हमको शक्ति मिला, इनके लिए भक्ति में एक शक्ति है जो भगवान ने, गौ माता ने इनको प्रदान किया है। ये एक दुर्लभ वस्तु है जो बहुत कम ही लोगों को मिलता है। जैसे नागों में मणि होता है कहा जाता है, पुराणों में, कथाओं में, जैसे नागों को मणि होता है, उसी तरीके से लोग पहले, मैं भी सुनता था गायों में गौ लोचन होता है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, आप भी देख सकते हैं तो ये गौ लोचन किस प्रकार दिखता है। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। छोटा वाला गाय भी है, एक बड़ा वाला गाय, बड़ा वाला गौ लोचन, तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। आप इसको बड़े ही, अगर आपको मिलता है तो इसको बड़े संभाल के रखें, पूजा स्थान में रखें, पूजा स्थान में रखें, होता है तो ये एक वरदान है भगवान की तरफ से आपको, गौ माता की तरफ से। तो आप इसको बड़े ही सहेज के, सहजता से और संभाल के रखें, ये आपके लिए एक तरीके से वरदान। 83,99,999 का चक्कर काटने से मुक्ति मिलने के लिए ये हमको मिला है। भक्ति में शक्ति जी आपको मुक्ति मिलेगा, 84 को फंदा काट दीजिएगा खाली गौ सेवा से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, गौ सेवा से सिर्फ और सिर्फ आप पैसा नहीं कमा सकते, आप आने वाले जन्म के लिए आप गौ लोचन भी आपको प्राप्त हो सकता है, अगर आप भक्ति में, भक्ति से और श्रद्धा से आप इस सेवा को करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉमेंट करके बताएँ कि क्या आपको भी गौ सेवा से गौ लोचन मिला है, और हमारे चैनल किसान टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।